क्वेश्चन नंबर 26 लिमिट x टेंस टू जीरो, क्या है लिमिट x टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमारा डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स का मॉड, ठीक। जब x नॉट इक्वल टू जीरो और दूसरा है जीरो इफ x इक्वल टू कितना जीरो जीरो एफ एक्स इक्वल टू इतना, ये फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये दो फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स ये वाला फंक्शन तब होगा जब x का वैल्यू जीरो नहीं हो, या जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा होगा, इसके लिए डिफाइन है। जब x बराबर एग्जैक्टली जीरो होगा तो उस कंडीशन में हमारा जीरो डिफाइन है, ठीक है। हमसे पूछा है कि लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान हमें निकालना है, तो मैंने बताया था कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब LHL और RHL क्या होगा बराबर होगा। अगर LHL RHL बराबर है तो उसके बाद f जीरो बराबर होनी चाहिए, अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो उस कंडीशन में लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे LHL, फिर RHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखो LHL के लिए, LHL के ये हम मान लेते हैं किस पे चेक करना है, x इक्वल टू जीरो पे चेक करना है ना, तो x लिखते हैं x जीरो माइनस h, जीरो से एक छोटी सी क्वांटिटी को करते हैं घटा देते हैं, तो यहां से x बराबर क्या मिलेगा माइनस का h। अच्छा जब x टेंड करेगा किसको जीरो को, तो h भी किसको टेंड करेगा जीरो, क्योंकि x का वैल्यू जीरो रख दोगे तो h भी कितना जाएगा जीरो जाएगा, तो x टेंड करेगा जीरो को तो h भी टेंड करेगा जीरो को। तो देखो LHL निकालो, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, देखो x टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या होगा हमारा x अपॉन x मॉड, क्योंकि जीरो से छोटा है ना, नेगेटिव का मतलब वही जीरो माइनस h, जीरो से छोटा है, जब जीरो से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन डिफाइन है, तो क्या x अपॉन है नॉट इक्वल टू जीरो है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा तो बड़ा होगा ना, बड़ा हो या छोटा हो नॉट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बस, तो छोटा ही, इससे पहले हमारा फंक्शन लेस देन और ग्रेटर देन के लिए डिफाइन था, हम बड़ा भी तो ले सकते हैं छोटा ही, दोनों के लिए लेंगे, लेस के लिए भी लेंगे और ग्रेटर के लिए भी लेंगे, दोनों के लिए डिफाइन है। बस शर्त क्या है कि x बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स अगर जीरो है तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान कितना जाएगा जीरो जाएगा, बस ये कहने का मतलब है इनका। तो यहां पे लिमिट दो रखते हैं, लिमिट x को चेंज कर दो किसमें h में, तो h टेंस टू जीरो, देखो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस का h अपॉन माइनस h का मॉड हो जाएगा, देखो माइनस h का मॉड तो प्लस में हो जाएगा, तो ये जगह लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h बाय h, h से h कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा माइनस का वन, तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस वन, h तो है नहीं तो वैल्यू कितना जाएगा माइनस का वन। अच्छा सेम ऐसे RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो LHL के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे, तो x इक्वल टू जीरो प्लस h सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा जीरो प्लस h अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू कितना जाएगा h, जब x टेंड करेगा जीरो को तो h भी टेंड करेगा किसको जीरो को, ठीक है। सेम RHL निकालो, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब जीरो से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन है, दोनों के लिए ही है, ठीक है ना, x अपॉन x का मॉड, x अपॉन x का मॉड। अच्छा अब इसको x को रिप्लेस कर दो किससे h से, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो x की जगह क्या जाएगा h, h बाय h का मॉड, देखो ये प्लस तो ऑलरेडी है, x से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस का वन बचेगा, इक्वल टू कितना आएगा प्लस का वन आएगा। देखो LHL का वैल्यू कितना आएगा माइनस का वन, RHL का वैल्यू कितना आ रहा है प्लस का वन, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, देखो ये भी आपस में बराबर नहीं है और f जीरो भी जीरो मान, तो जीरो इसका वैल्यू है जीरो, इसका वैल्यू माइनस वन, इसका वैल्यू है वन, ठीक है, इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, अलग अलग एक ही चीज पे अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिखेंगे अतः
इसका कोई अस्तित्व लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो 27 देखो 27 क्वेश्चन नंबर छोड़ दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसका मान निकालना है। ठीक, अच्छा इसके लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या दे रखा है, जहां फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स का मॉड माइनस का 5, एक्स का मॉड माइनस का 5, देखो इसमें। ठीक, सेम इसमें भी इसका वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये किसी के लिए डिफाइन नहीं है, ये सबके लिए है, चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन हमारा ये हुआ, इसमें दो फंक्शन देना, इसमें एक ही फंक्शन है, तो एलएचएन में भी एक फंक्शन यूज करेंगे और आरएचएन में भी सेम फंक्शन यूज करेंगे। तो देखो एलएचएन लिमिट निकालेंगे, तो एलएचएन के लिए, एलएचएन के लिए क्या जाएगा, देखो एलएचएन के लिए क्या निकालेंगे, एलएचएन के लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस एच, 5 माइनस एच क्यू, क्योंकि यहां पे किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 5 पे चेक करना है ना, तो एक्स बराबर क्या रखेंगे 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब 5 में छोटी सी क्वांटिटी को करेंगे घटा देंगे, जब एक्स टेंड करेगा किसको 5 को, तो एच टेंड करेगा किसको 0 को, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो एक्स की जगह अगर 5 रखोगे, एक्स की जगह क्या रखोगे 5, तो 5 बराबर 5 माइनस एच, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना आएगा 0, तो जब एक्स 5 को टेंड करेगा तो एच किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा, तो एलएचएन लिमिट निकालो हैं, हम 1 से लेकर 27 बार पे आ गए, मुझे जे ना समझ आया कि 5 माइनस एच ये क्यों हम बदलते हैं, मतलब यहां पे एलएचएन लिमिट ना करेंगे 5 पे, एक्स इक्वल टू 5 पे ना, ये वही बाउंड्री कंडीशन हो गया ना, इस बाउंड्री कंडीशन से इधर वाले फंक्शन क्या होते हैं आरएचएन, राइट हैंड लिमिट इधर वाले फंक्शन क्या होते हैं एलएचएन, बता रहा हूं ना 5 माइनस एच क्यों लिया हमने, बता रहा हूं ना, एलएचएन लिमिट में जब जाते हैं, तो एलएचएन लिमिट में जब जाएंगे तो मतलब 5 से ज्यादा होगा, ये 5 से ज्यादा मतलब थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, थोड़े से ज्यादा मतलब यहाँ पे एच एक छोटी सी क्वांटिटी क्या कर देते हैं इसमें ऐड कर देते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, जब एलएचएन लिमिट में जाएंगे तो 5 से छोटा मतलब 5 से एक छोटी सी क्वांटिटी को क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब मानो 0.01 को घटा दें तो वो 5 से छोटा हो जाएगा ना, अगर 0.01 को जोड़ देंगे तो 5 से क्या हो जाएगा बढ़ा जाएगा, तो एलएचएन में हम 5 से थोड़ी सी बड़ी राशि लेते हैं और एलएचएन में छोटी थोड़ी सी छोटी राशि को कंसीडर करते हैं, इसीलिए हमेशा एक एच को छोटी क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। देखो यहां पे लिखा ना एच टेंस टू 0, मतलब एच 0 को तो टेंड कर रहा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो यहां पे हमारा एच मतलब 0, देख एच 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन ये 0 को टेंड कर रहा है, अब 0 को टेंड करना तो बहुत ही छोटी राशि 0.001 है, अब 0.001 5 में से अगर घटा देंगे तो 5 से छोटी राशि हो जाएगी वो। ठीक, तो यहां पे एलएचएन लिमिट निकालेंगे तो क्या जाएगा, तो एलएचएन हो जाएगा एलएचएन लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स का मॉड माइनस का 5, तो एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें एच में, तो क्या लिमिट एक्स टेंस सॉरी एस टेंस टू 0, देखो यहां पे एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स बराबर कितना है 5 माइनस एच, यहां पे रख दो 5 माइनस एच, 5 माइनस एच का मॉड माइनस का 5 आ जाएगा, लिमिट रख दो एच इक्वल टू कितना रख दो 0, तो 5 माइनस 0 कितना 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, यहां पे h इक्वल टू कितना रखोगे 0, 5 में 0 घटा देंगे कितना बचेगा 5 ही बचेगा, प्लस में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में हो तो भी किसमें रहता प्लस में हो जाता। अच्छा, ऐसी आरएचएल लिमिट आरएचएल इक्वल टू क्या जाएगा के लिए x को हम क्या रखेंगे 5 प्लस h, आरएचएल में क्या एक छोटी सी राशि को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो यहां पे x जब टेंड करेगा किसको 5 को, ठीक, तो h किसको टेंड करेगा 0 को,
करेगा। अच्छा अब यहाँ पे RHL लिमिट निकालो, तो RHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस फंक्शन ऑफ fx कितना है हमारा, ये हो गया फंक्शन का ये x का मॉड माइनस का 5। अच्छा x को कन्वर्ट कर दो किसमें, h में, तो s टेंस टू 0। अच्छा h में टेंड कर कन्वर्ट करो तो x का वैल्यू रख दो यहां से, x का वैल्यू कितना, ये 5 प्लस h, तो 5 प्लस h का मॉड माइनस का 5। अब यहां पे h इक्वल टू कितना रख दो, 0, तो 5 में 0 ऐड कर दो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, देखो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना 0, 3 ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। अच्छा अब f 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं, f 5 निकाल क्योंकि 5 पे चेक कर रहा है ना fx, हां fx का fx दे रखा ना ये फंक्शन, इसमें किस पे हमें निकालना है, 5 पे चेक करना है, तो f 5 रख देंगे, x की जगह कितना रखेंगे 5। अच्छा x की जगह यहां पे 5 रखोगे तो क्या जाएगा, 5 का मॉड माइनस का 5 इक्वल टू कितना आएगा 0। देखो इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 0, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे लिखेंगे LHL बराबर RHL और बराबर क्या जाएगा f ऑफ 5 इक्वल टू 5, तो लिमिट का वैल्यू कितना जाएगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू कितना जाएगा, सॉरी 5 नहीं ये 0 है, बराबर कितना जाएगा 0, ठीक है, तो इस लिमिट का वैल्यू कितना जाएगा 0। ये एग्जिस्ट करेगा लिमिट का सर, हैं फार्मूला लगेगा इसमें, नहीं फार्मूला बस यही कांसेप्ट है, LHL निकालना RHL निकालना और f जिसको हम चेक कर रहे हैं, जैसे यहां पे 5 पे चेक करते हैं f5 हो जाएगा, यहां पे अगर मान लो 2 पे चेक करेंगे तो क्या जाएगा f2 हो जाएगा, यहां पे अगर 0 पे चेक कर रहे तो यहां पे क्या जाएगा f0, उसका वैल्यू निकाल देंगे। ये तीनों आपस में अगर बराबर आ रहे हैं तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, अगर बराबर नहीं आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे कि मान लीजिए फंक्शन ऑफ fx a प्लस bx जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 4 जब x इक्वल टू 1 होगा, b माइनस ax जब x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और यदि लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू f1 हो तो a और b के संभव मान गेट कीजिए। देखो फंक्शन ऑफ fx दे रखा हमारा, फंक्शन ऑफ fx a प्लस bx ए प्लस बी एक्स 4 और दे रखा बी माइनस ए एक्स, ठीक है, ये वाला वैल्यू तभी डिफाइन है जब x लेस देन होगा 1, ये वैल्यू डिफाइन है x इक्वल टू 1 पे, और ये वाला वैल्यू डिफाइन है x ग्रेटर देन 1, ठीक। और यहां पे कह रहे कि लिमिट x टेंस टू 1, एक और कंडीशन दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू f 1, ठीक है। अच्छा f1 का मतलब कितना, देखो fx इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है 4, तो ये किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा, ठीक इक्वल है ना, x इक्वल टू कितना 1 है, लेकिन x इक्वल टू 1 पे fx का मान कितना है 4 है, तो इसका मतलब f1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 4 होगा। चलो अब ये दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि फलन हमारा जो है वो डिफाइंड है और सतत भी है, मतलब इसका LHL और RHL दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, तभी हमें क्या निकालना है a का मान और b का मान निकालना है, a और b बताना है कि a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा, ठीक है। देखो LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव क्या 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ fx, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, देखो फंक्शन ऑफ fx फंक्शन ऑफ fx 1 नेगेटिव का मतलब क्या 1 से छोटा, अच्छा 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है a प्लस bx, तो a प्लस bx x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a प्लस b इनटू 1, तो क्या a प्लस b। अच्छा RHL RHL राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, अच्छा 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है
एक से बड़ा, एक से बड़े के लिए फंक्शन बताओ क्या है, बी माइनस ए एक्स, तो बी माइनस ए एक्स, एक्स की जगह कैसे प्रिंट करेंगे वन, तो बी माइनस ए इन टू वन, तो बी माइनस ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें कि एल एच एल बराबर है आर एच एल, और बराबर किसके बराबर है, एफ वन के बराबर है, क्योंकि इसका वैल्यू तो रखा नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा सतत है, तो एल एच एल और आर एच एल आपस में क्या होगा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एफ वन के बराबर, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा जब एल एच एल और आर एच एल आपस में बराबर होगा, तो एल एच एल क्या है, एल एच एल हमारा ए प्लस बी, एल एच एल का वैल्यू ए प्लस बी बराबर आर एच एल का वैल्यू कितना है बी माइनस ए बराबर एफ वन, एफ वन का वैल्यू कितना है चार, तो अब इसको इस, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो इस फर्स्ट को इसके बराबर ले लो, सेकंड को इसके बराबर ले लो, तो लिख सकते हैं अतः तो ए प्लस बी बराबर कितना चार, ठीक, बी माइनस ए बराबर भी कितना हो जाएगा चार, दो इक्वेशन बन गए, इसको सॉल्व कर दो, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जोड़ दो बी प्लस बी कितना जाएगा टू बी, चार और चार कितना जाएगा आठ, तो बी बराबर कितना आएगा चार, बी का मान किसी में भी रखोगे ए बराबर कितना आएगा जीरो, तो बी का मान आ जाएगा चार और ए का मान आ जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें रख दो चार, ठीक है ना, चार में से चार कट जाएगा तो ए का मान कितना जाएगा जीरो, तो बी बराबर जीरो, सॉरी ए बराबर जीरो और बी बराबर चार हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या निकाल रहे, इसमें लंबा चौड़ा एक फंक्शन दे रखा है, कह रही है मान लीजिए a1 a2 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्या है, अचर का मतलब क्या कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक फलन fx, एक फलन दे रखा है fx इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an दे रखा है फंक्शन से परिभाषित है, इसी से परिभाषित हमारा है, अब क्या कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू a1 फंक्शन ऑफ fx निकालना है, ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहे हैं कि किसी a नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an के लिए लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ fx का परिकलन भी कीजिए, देखो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं आएगा, तो एलएचएल लिमिट देखो, एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू ए वन नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफएक्स, ए वन नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफएक्स, देखो एफएक्स कितना आएगा, लिमिट रख देना फंक्शन यहां से, तो एक्स टेंस टू ए वन नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफएक्स क्या जाएगा एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू और ऐसे डॉट डॉट एक्स माइनस एन लिखेंगे, अच्छा एक्स बराबर कितना रख दो ए वन रख दो, ए वन रख दो कितना जाएगा देखो ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए वन, ठीक ए वन माइनस ए टू ऐसे डॉट डॉट ए वन माइनस ए एन होगा, देखो ए वन में से ए वन को माइनस करोगे कितना आएगा जीरो, जीरो आएगा हमारे टर्म्स, जीरो से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते कितना आता है जीरो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा जीरो, ऐसे आर एच एल लिमिट ए सॉरी एक्स टेंस टू ए वन पॉजिटिव, ए वन पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देखो यही फंक्शन है सबके लिए क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं रखा है, देखो इसमें इन्होंने कोई लिमिट नहीं दिया, जैसे इसमें लिमिट दिया था ना कि x लेस के लिए x ग्रेटर के लिए x बराबर के लिए, इसमें इन्होंने कोई लिमिट नहीं दिया, इसलिए LHL हो या RHL हो कुछ भी निकालना फंक्शन हम यही यूज करेंगे, ठीक है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहां पे भी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ fx, ये जगह माना x माइनस a1 x माइनस a2 ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म्स क्या x माइनस a लिमिट रख दो, एक्स की जगह रख दो ए वन रख दो, तो ये जो ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू ऐसे ही, ये जो ए वन माइनस ए एन, इसका वैल्यू भी कितना जाएगा जीरो जाएगा, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, मतलब एल एच एल बराबर क्या जाएगा आर एच एल,
LHN बराबर RHN बराबर क्या हो जाएगा, देखो एफ ए वन हो जाएगा। देखो इसमें अगर ए वन रखोगे एक्स की जगह सेम हो जाएगा, ए वन माइनस ए वन जीरो हो जाएगा, जीरो से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जीरो होगा। तो इसका मान भी कितना जाएगा, एफ ए वन का मान भी जीरो होगा, ये भी जीरो है ये भी जीरो, एफ ए वन भी जीरो, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट का मान कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसका मान कितना आएगा जीरो आएगा, क्योंकि ये भी जीरो है ये भी जीरो है और एफ ए वन भी कितना आएगा जीरो होगा, इसका मान कितना जाएगा जीरो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या निकालना है, देखो सिंपली बता देता हूं उसका, वो भी एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स निकालना है, कह रहे कि ए जो है वो ना तो ए वन के बराबर होगा, ना ए टू के बराबर होगा, ना ए थ्री के बराबर होगा, ना ए एन के बराबर होगा, किसी के बराबर नहीं होगा। तो जस्ट इसका अगर लिमिट निकालेंगे तो सेम सिंपली क्या करेंगे, एक्स की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए रख देंगे, तो क्या जाए ए माइनस ए वन, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस ए टू, तीसरे ब्रैकेट में ऐसे डॉट डॉट करके ए माइनस ए एन, तो इसका वैल्यू भी क्या जाएगा सिंपली ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू तीन और ऐसे ए माइनस ए एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे जस्ट इसकी जैसे करेंगे इसको। यदि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देखो यहाँ पे ये है फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स का मॉड प्लस वन जीरो और एक्स का मॉड माइनस वन, कंडीशन है जब एक्स लेस देन जीरो होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा और ये है एक्स ग्रेटर देन जीरो, करेंगे तो एक एक इन मानों के लिए एक एक इन मानों के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स का अस्तित्व है, देखो क्या कह रहे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, कह रहे कि इसका अस्तित्व है, वैल्यू नहीं निकालना है हमें, बस बताना है कि एक एक किस मान के लिए यहां पे एक क्या होना चाहिए जिसपे फंक्शन एफ एक्स का लिमिट अस्तित्व में होगा वो बताना है। तो यहां पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है वो किस पे डिफाइंड है, मतलब किस पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले देखो जीरो के लिए डिफाइन है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं, किस पे चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक देखो लिमिट निकालते हैं, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एल एच एल है यहां पर क्या जाएगा नेगेटिव, तुम्हारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, जीरो से लेस, जीरो नेगेटिव तुम क्या है जीरो से लेस, जीरो से लेस के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये वाला एक्स मॉड प्लस वन। अच्छा यहां पे एक्स इक्वल टू कितना जीरो, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू कितना जाएगा वन। अच्छा आर एच एल देखा निकालो, तो आर एच एल इक्वल टू क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब देखो जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, एक्स मॉड माइनस वन, तो एफ एक्स की जगह एक्स मॉड माइनस वन, देखो एक्स इक्वल टू कितना रखो जीरो, तो जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, देखो इसका वैल्यू वन इसका वैल्यू है माइनस वन, तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देखो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऑफ एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। लेकिन सर उसको ये पूछना किन मान नहीं है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे फलन का इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा अब जीरो से बड़े के लिए जीरो से छोटे के लिए देखते हैं, इसके लिए चेक करें क्योंकि जीरो पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, अब जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगी तो देखते क्या पता जीरो से बड़े के लिए एग्जिस्ट करे या जीरो से छोटे के लिए एग्जिस्ट करे। तो यहां पे चेक करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन ले लेना इसको, ये सेकंड कंडीशन, एक्स बराबर मान लेते ए, एक्स बराबर ए और ये मानते हैं कि ए जो है वो लेस देन कितना है जीरो, ए का वैल्यू जो है वो जीरो से लेस है ये हम मान लेते हैं, ठीक है तो इसको चेक करते हैं, तो एल एच एल इक्वल टू क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट देखो इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा,
जीरो से लेस के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है? एक्स मॉड प्लस वन, पूरे इसके लिए यही फंक्शन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल एच एल हो जाएगा एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, फंक्शन ऑफ एफ एक्स ए का एक्स का मॉड प्लस वन, एक्स ए रख दो तो ए प्लस वन क्योंकि मॉड है, प्लस में होगा या माइनस में होगा, वैल्यू किसमें आएगा हमेशा प्लस में होगा, तो ए प्लस वन हो जाएगा। अच्छा ऐसे आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, सेम ही रहेगा एक्स मॉड प्लस वन, ठीक। एक्स के बदले रखो यहां सब्स्टिट्यूट करो, कितना आएगा ए का मॉड प्लस वन इक्वल टू ए प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एफ वन निकाल दो, एफ वन यहां पे एक्स की जगह रख दो वन नहीं सॉरी ए, यहां पे एक्स की जगह ए रख दो तो ए का मॉड प्लस वन इक्वल टू ए प्लस वन, देखो इसका वैल्यू भी क्या है ए प्लस वन, इसका वैल्यू भी ए प्लस वन, इसका वैल्यू भी ए प्लस वन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए लेस देन वन के लिए, वन के लिए सॉरी वन नहीं जीरो, जीरो ना, जीरो के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, मतलब जीरो से लेस अगर कोई भी वैल्यू है, जीरो से लेस अगर कोई भी वैल्यू है तो उस पर लिमिट का अस्तित्व है, लेकिन जीरो पे अस्तित्व है? नहीं है। अच्छा जीरो से ग्रेटर के लिए चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन क्या जाएगा एक्स इक्वल टू ए और ए इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़े, इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये वाले फंक्शन डिफाइन है एक्स का मॉड माइनस का वन, ठीक। इस पे चेक करेंगे तो एलएचएल निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स कितना जाएगा एक्स का मॉड माइनस वन, देखो एक्स की ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए का मॉड ए होगा, इसको लिख सकते ए माइनस वन, ऐसे आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जब हमने ये वाला कंडीशन लिया ना ये वाला फंक्शन है, चाहे एल एच एल हो या आर एच एल हो फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसमें फंक्शन यूज करेंगे ये वाला फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स का मॉड माइनस वन, इसका भी वैल्यू क्या जाएगा ए माइनस वन, और एफ वन का भी वैल्यू निकालो एफ ए का वैल्यू, सही एफ ए का यहां पे ए रख देना तो ए का मॉड माइनस वन इक्वल टू ए माइनस वन, तो इसमें वे ए माइनस वन ए माइनस वन ए माइनस वन, मतलब अगर ए का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो भी हमारा लिमिट एडजस्ट करेगा, ठीक है ना। देखो तो ये देखेंगे, अतः एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन जीरो के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है इसका अस्तित्व है, ठीक। अच्छा तो क्या लिखेंगे, अब देखो अगर ए का वैल्यू क्या है जीरो होगा, ए का वैल्यू कितना होगा जीरो, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए से बड़ा होगा या ए से छोटा होगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे, अतः ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मानो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आएगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए के सभी मानों के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो पर यस मानों के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स का अस्तित्व है, ठीक है। एक क्वेश्चन ही तीन तीन के बराबर होगी, अरे बस सुनिए, तो पहले जीरो पे चेक करेंगे, मतलब जिस पर डिफाइंड है, अगर मान लो यहां पे वन दे रखे होता तो सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, वन के लिए चेक करते हैं, इसके बाद वन से लेस के लिए भी चेक करेंगे और वन से ग्रेटर के लिए भी चेक करेंगे, अगर वन दे रखा है तो, यहाँ पे जीरो दे रखा है तो जीरो से लेस के लिए भी चेक किया, जीरो से ग्रेटर के लिए भी चेक कर, देखेंगे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे नहीं कर रहे, दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या लिख देंगे कि ए के सभी मानो, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन लगा दी हमने कि जीरो नहीं होना चाहिए, के लिए लिमिट का अस्तित्व है, इसमें लिमिट का एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 31st, कह रहे कि यदि फलन एफ एक्स
क्वेश्चन नंबर 31 कह रही है फंक्शन ऑफ एफ एक्स के लिए डिफाइन है एक लिमिट, कह रही है लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू फाइव। तो हमें लिमिट निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। दो सिंपल क्वेश्चन है, दो लाइन का क्वेश्चन है, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस टू, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू फाइव, लिख सकते हैं लिमिट को ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, इसका था मल्टीप्लाई कर देना। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू वन ये जाएगा टू, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं लिमिट को, इसमें फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये जाएगा और टू का जाएगा, टू में लिमिट रखोगे तो कोई फर्क नहीं भी पड़ेगा। तो ऑनली किस में रख सकते हैं, एफ एक्स पे रख सकते हैं, इक्वल टू जब पाई इंटू लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन लिमिट रख दो, मतलब इसका तो मल्टीप्लाई कर दिया, जरूरी है हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना ना लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू जो है कितना माइनस का टू इक्वल टू पाई इंटू इसका वैल्यू कितना है वन माइनस वन, यहां पे लिमिट रख दोगे तो क्या आएगा वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर तो क्या वन वन माइनस वन कितना जाएगा जीरो, तो ये वाला फंक्शन है जाएगा हमारा जीरो, टू को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना जाएगा टू, ये टू होना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्वेश्चन नंबर 32 में यहां पे कह रहे हैं कि किन पूर्णांक को एम और एन के लिए, किन पूर्णांक को एम और एन के लिए कह रहे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू वन फंक्शन ऑफ एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व मतलब दोनों का अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि एलएचएल और आरएचएल आपस में बराबर होंगे, एलएचएल और आरएचएल आपस में बराबर होंगे, तो मैं जीरो वाला कराता हूं तुम एक वाला कर लेना, ठीक, एक पार्ट में कराता हूं। देखो इसमें फंक्शन आ गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देखो क्या क्या तरीका है, देखो फंक्शन ऑफ एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ठीक, दूसरा तरीका है एन एक्स प्लस एम और तीसरा तरीका है एन एक्स क्यूब प्लस एम, कह रहे कि एक्स लेस देन जीरो के लिए है ये, और ये वाला फंक्शन एक्स लेस देन इक्वल वन लेकिन ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए है और एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, देखो दो फंक्शन दो वैल्यूज पे ये डिफाइंड है, किस पे जीरो पे और वन पे, जीरो पे और वन पे, देखो एक्स इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन चेक करते किस पे एक्स इक्वल टू जीरो पर, देखो एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इस पे चेक करेंगे जीरो पे चेक करेंगे और एक पे चेक करेंगे क्योंकि जीरो है और वन है ना, ठीक, दो एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव का मतलब क्या जीरो से छोटा, अच्छा जीरो से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एम एक्स स्क्वायर प्लस एन ये जाएगा, अच्छा एक्स बराबर कितना रख दो जीरो, एक्स बराबर कितना रख दो जीरो, अगर जीरो रख दोगे तो क्या आएगा एम इंटू जीरो प्लस एन इक्वल टू क्या जाएगा एन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आर एच एल राइट हैंड लिमिट क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े के लिए फंक्शन ये देखो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो है ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए फंक्शन कौन सा है एन एक्स प्लस एम, तो यहां पे रखेंगे एन एक्स प्लस एम, देखो जीरो रख देंगे तो एन इंटू जीरो प्लस का एम इक्वल टू क्या जाएगा एम, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ
एफ एक्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है? है. जब इसका अस्तित्व है तो अस्तित्व के लिए कंडीशन क्या है कि एलएचएल और आरएचएल आपस में बराबर होना चाहिए. यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, या लिखते हैं एलएचएल, एलएचएल बराबर क्या होना चाहिए, आरएचएल होना चाहिए. देखो एलएचएल का वैल्यू कितना है, एन, और आरएचएल का वैल्यू कितना है, एम. मतलब ये फंक्शन तभी हमारा, मतलब इसका लिमिट तभी अस्तित्व में आएगा जब m और n का मान क्या होना चाहिए आपस में, बराबर. अगर m और n आपस में अगर बराबर है, n और m आपस में बराबर है, तब हमारा लिमिट x टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का अस्तित्व है, होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अरे बस समझे, तो m और n आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. अब कुछ भी हो सकता है, अगर m बराबर कितना, दो है, तो n बराबर भी दो होगा. अगर n बराबर एक है, तो m बराबर भी कितना होगा, एक होगा. तो ये जीरो से लेके इनफिनिटी तक, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक कुछ भी रखोगे, एन बराबर एम बराबर भी उतना ही आएगा, और उसके लिए फलन हमारा क्या होगा, या जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा. ऐसे हमें किस पे चेक करना है, वन पे चेक करना है. जैसे हमने जीरो पे चेक करना, तो इसका भी एलएचएल निकालेंगे और आरएचएल निकालेंगे. जब यहां पे एलएचएल निकालेंगे तो वन से लेस, वन से छोटा, वन से छोटे के लिए फंक्शन ये वाला जाएगा, और वन से बड़े के लिए, मतलब आरएचएल के लिए फंक्शन कौन सा जाएगा, एन एक्स क्यू प्लस. तो यहां पे अगर निकालोगे तो m बराबर m, m बराबर m, मतलब m बराबर m का मतलब क्या है कि अब किसी भी मान के लिए, क्योंकि nm आपस में बराबर नहीं होगा ना, यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो और m का वैल्यू कुछ भी हो, सबके लिए फलन हमारा क्या होगा, बराबर. और मतलब जो हमारी लिमिट है वो अस्तित्व करेगा. ठीक है,